बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हारिस फूड एंड व्लॉग। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँचता रहे। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने काले चने लिए हैं, 500 ग्राम चने लिए हैं मैंने काले। इसे मैंने 3-4 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। और इसके बाद मैंने लिए हैं 3 अदर टमाटर लिए हैं, इस तरह मैंने काट लिए हैं। और साथ मैंने 1 अदर प्याज लिया है, लहसुन लिया है मैंने 3-4 अदर। और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे और कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पनीर डालेंगे और साथ में इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये प्याज और टमाटर और ये लहसुन। प्याज डालने से ये जो हमारे चने हैं ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1.5 लीटर पानी। और साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो नमक लिया मैंने 1 चम्मच। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये हल्दी पाउडर और 1/2 घंटे के लिए इसे प्रेशर दे देंगे ताकि अच्छी तरह से चने गल जाएं। चने अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे किसी चीज़ में और बाद में जब इसे डालते हैं इसके अंदर दिखाते हैं आपको कब हम इसके अंदर जो पानी जो हम निकालेंगे वो कब इसके अंदर डालते हैं। 1 चम्मच मैं इसके अंदर फुल और 1/2 शामिल करूँगी घी का। अगर आप चाहें उसमें ऑयल डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर 2.5 ऑयल डाल सकते हैं कप। ये मैंने इसके अंदर घी शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मैंने साबुत काली मिर्च ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 बड़ी इलायची ली है। और साथ मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और साथ साबुत मिर्च ली है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दालचीनी और वह बड़ी इलायची से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, रेस्टोरेंट जैसा इसके अंदर एक होटल जैसा इसमें आएगा, स्मेल सी आ जाएगी और उससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट भी बन जाएगा। 2 अदर जैसे छोटी इलायची भी शामिल कर दूँगी। आप 15-20 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। आप 10 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली दही की शामिल कर दूंगी हल्की आंच करके। आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने और हल्की आंच करके आप इसके अंदर ये दही शामिल करके 5 मिनट तक इसे भून लेंगे। थोड़े से इसमें से चने पीस लेने हैं ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी बन जाए। सारे नहीं पीसने, बस थोड़े से आपने पीसने हैं, नॉर्मल मतलब के 1/2 कप से भी आधे। अब हम इसे 10 मिनट तक भून लेंगे, 5 मिनट तक हम इसे। चने अच्छी तरह से भून गए हैं, अब ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, वो जो पानी मैंने इसके अंदर से निकला था यखनी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, अगर आप ज़रा पतला पसंद करते हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डाल लें, अगर आप गाढ़ा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो आप उसके हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दें। मैं इसके अंदर 1/2 लीटर पानी शामिल करूँगी। ये मेरा जो यखनी बची थी वो मैं इसके अंदर डाल दी है, थोड़ा सा बस पानी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी 1 गिलास। मज़ेदार सा चनों का सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी
ये गरम मसाला, जीरा और काली मिर्चें मैंने पिछले से पीस ली थी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो ग्रेवी और भी कड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में इसका शोरबा सही बनता है, मज़े का होता है, इसलिए मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका चूल्हा इस साइड स्टेज में बंद कर रही हूँ। हमारा मज़ेदार सा काले चनों का सलाद रेडी हो गया है। आप इसे चाहें तो चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ भी, बहुत मज़े के ये लगेंगे। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएं तो आपको बहुत मज़े के ये बनेंगे और ज़रूर पसंद आएंगे आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा चनों का सालन। और अब मैं आपसे जाना चाहूँगी, अपने अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।